ये एक और बच्चा मरा हुआ जी, और इधर भी छोड़ गए हैं। ये है जुल्म। पीरी पीरी और दो मिलानी शुरू हो गई। ये पहले लगाए हुए बच्चे, ये पहले दिए हैं उन्होंने ट्रेन। ये हम बोला दूध लेके आए हैं चवाई करा के, जिन्ना पीती प्याज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज जी बड़ा सनी डे है, और आपको अपनी दिखाते हैं जो रूटीन है हमारी। वो सारा सरफेस कर रहे हैं फ्लैट, ताकि यहाँ पे बैठा जाए, स्पेस बनाया जाए यहाँ पे। ये मैक्स बैठा हुआ है, और ये बच्चे सारे काफ्स रेस्ट एरिया में खुले पड़े हैं। हेला बेला, ये नेट लगाया हुआ जी हमने मक्खियों के कंट्रोल के लिए। ये हमारे कुत्ते का दरवाज़ा है, यहाँ से अंदर चला जाता बाहर आ जाता इसका बॉल के साथ खेल रहा। इन बच्चों को हम खिला रहे हैं आजकल पट्ठे तूड़ी, जिसकी वजह से ना इनकी ग्रोथ में मसला आ गया था। एक्चुअली इनको देना चाहिए साइलेज 10% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से। माशाल्लाह ठीक हैं, काफ़ी ठीक हैं, बेहतर हैं पहले से, लेकिन जो साइलेज है वो उसमें ऑलरेडी वो नरम गज़ा होती है, तो वो बेस्ट है। अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो उनसे मशवरा हमने करना है कि जी इनकी फीड को दोबारा से किस तरह सेट किया जाए। आजा 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 आजा, हाँ की गल है। क्या है? शाबाश, काफ़ी पहले से ये बेहतर है, बीमार हो गई थी पीछे। ये भी काफ़ी बेहतर है, ये भी बीमार हो गया था, आप ज़रा फ्रेश फ्रेश फील कर रहे हैं। होए क्या कर रही हो पहले? क्या बात, ये थी इसका लाडियाँ करने का स्टाइल है मेरे साथ, ये ऐसे ही लाडियाँ करती है। अब ये छेड़ेगी मुझे, टुट मारेगी, जुबान से छेड़ेगी, कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी। हाँ पहले ठीक है, अभी मैं अगर अंदर जाऊँगा ना तो इन्होंने दौड़े लगानी है, तो डस्ट बड़ी उड़नी है। ये पॉपी बैठी है, बिगी है। अब ये देखें, ये छोटी बच्ची है, इसका पेट निकला हुआ है, सो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला होगा, इतना नहीं निकलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो फीड प्लान गलत हुआ है उसकी रीज़न है ये। सो इसको आप इंशाल्लाह ठीक करते हैं। ये मोना है, फीमेल काफ है, पाकिस्तान में ना ब्रीड के ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल है, वेरी हार्ड। ये आपकी जेब में से काफ़ी पैसे लग जाते हैं इसके ऊपर, और अगर आपको इसका नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये मिल्क रिप्लेसर के ऊपर बच्चे पले, और मिल्क रिप्लेसर पाकिस्तान में इंपोर्ट बड़ी मुश्किल है उसकी, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है। मुझे किसी ने कहा हुआ है कि पैकेट्स अरेंज करके दें बैग्स, लेकिन वो हो नहीं रहे, सो हम उनको या तो रिफ़ंड करेंगे या अरेंज करके देंगे। एक्चुअली मैं अब ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि हम मिल्क रिप्लेसर की जो सेल है उसको करें या ना करें, लोगों को अरेंज करके दें या ना करके दें, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड।
एंगस आजा। ये हमने फैन लगा दिया जी डेयरी का, फिर से इसको हम इसकी जगह बदलते रहते हैं क्योंकि इसकी हवा बहुत ज़्यादा है, ये जानवर को फ्रेश रखता है। और गर्मियाँ आने लगी हैं, आ ही गई हैं तकरीबन, तो इसको जो है ना इसने हमारी बड़ी हेल्प करनी है, जानवर को बड़े अच्छे अंदाज में हम रख सकेंगे, उसको गर्मी नहीं लगेगी। ये फ़ैन भी है हमारे पास, ये हम लगा देते हैं, अगर किसी जानवर को ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उसको एक्स्ट्रा लगा देते हैं। साइड पे भी हम ब्रैकेट वॉल्स लगा देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं ताकि जानवर आराम से, ब्रैकेट फैन सॉरी, ताकि जानवर जो सब आराम से खड़ा रहे, उसको गर्मी ना मनाए वो। सो इस वक्त हमारे शेड में मक्खी नहीं है, ना ही मच्छर है, पूरा कवर्ड है। आपको दिखाते हैं ये मैक्स, शोहा मैक्स, इनके अंडे माशाल्लाह आ रहे हैं काफ़ी, नीचे जमा कर रहे हैं हम। डेयरी फार्मिंग के हिसाब से हर फार्मर का प्लान बदलता रहता है, और वो कभी कोई माल डालता है, कभी कोई डालता है, कभी वो कट्टे बच्चे डालता है, कभी वो दूध वाला जानवर डालता है। तो हम भी प्लान कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है, इसलिए हम जानवर की ट्रेड करते रहते हैं अपने की, कभी कोई गाय ले लेते हैं, कभी कोई भैंस भी ले लेते हैं, बेच देते हैं। ये व्यापार का हिस्सा होता है, इससे आपके फार्म की जो सारी परफॉर्मेंस है वो ठीक रहती है। हम एक दो रोज़ में यहाँ पे कुछ बच्चे सेल करेंगे जो हमने पाले हैं मिल्क रिप्लेसर पे, जिनका बहुत सारा हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया है और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है मिल्क रिप्लेसर के ऊपर, परवरिश हमने की है उसकी, और पूरे पूरे फ्लॉक दो हमने पाले हैं और उनका वेट गेन बड़ा ज़बरदस्त आया है, सारी डॉक्टर्स वगैरह की भी तसल्ली इसके ऊपर। मिक्स ब्रीड है, डिफरेंट ब्रीडें हैं, ब्रीड के ऊपर काम किया हुआ है और ब्रीड के हिसाब से ही इनका रेट लगना है, क्योंकि आगे ईद का सीज़न आ रहा है और उसके ऊपर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कट्टा बच्चों का काम किया जाए, तो वो भी इंशाल्लाह अगर हुआ इस दफ़ा तो आपको हम दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।